हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉइड मोबाइल का एक ऐसा कमाल का हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं सैमसंग मोबाइल का कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ। ये जो मैं फीचर बताऊंगा आपको सभी एंड्रॉइड मोबाइल में मिलने वाला है, और मैं ये वाला फीचर आपको सैमसंग गैलेक्सी में बताने वाला हूँ। तो क्या ये फीचर है, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला फीचर आपको पहले पता था या नहीं था। तो चलते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ एंड्रॉइड मोबाइल का। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करके, यहां से आप यहाँ ऊपर स्वाइप करेंगे सैमसंग गैलेक्सी में, या फिर आपको दूसरा मोबाइल होगा तो भी आपका यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा खोल लेना। अगर आपके पास नीचे ऐसा खोलने पर आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर खोला तो आपको यहाँ पर एक साइन बना रहा होगा गूगल लेंस का। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है ऐसे में, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाके आपको गूगल को खोल लेना है। यहाँ जाने के बाद आपको ये जो साइन दिख रहा है ना, ये कैमरे वाला, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो यही है हिडन फीचर यहाँ पर दोस्तों। होता क्या है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है, और जितने भी आपके स्क्रीनशॉट्स होंगे तो आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट वाला आपका पूरा फोल्डर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कमाल की बात यह है कि दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी फोटोज का टेक्स्ट को यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर आने के बाद लाइक मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट को ले लिया। अब स्क्रीनशॉट पे लेने के बाद उसने क्या करा, ऑटोमेटिक इसको पूरा चेक कर लिया और यहाँ पर पूरा सिलेक्ट कर लिया, मेरे जितने भी टैक्स हैं इसके अंदर पूरा सबको टैक्स को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फीचर मिल रहा है ट्रांसलेट का। जैसे ही आप ट्रांसलेट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक उसने डिटेक्टिव लैंग्वेज क्लिक करी और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता दिया वहीं के वहीं पर। आपको ऐसा नहीं कि अलग से बताया, पूरा आपको ऐसा का ऐसा यहीं बता दिया। आप चाहें तो सिलेक्ट ऑल करके पूरा इसको कॉपी भी कर सकते हैं, लिसन भी कर सकते हैं, और शेयर करना चाहे, डाउनलोड हिंदी में करना चाहे, ये सब चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं। लाइक जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, आप लिसन करना चाहे, 7:54 आप देख रहे हैं वो पूरा लिसन होने लगा है, और आप यहाँ से पॉज रिज्यूम सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको शेयर करना चाहें तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, लेसन और गूगल, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन ट्रांसलेट का हो गया। यहाँ पर आप जितने भी आपके पास स्क्रीनशॉट होंगे या फिर जो भी फोटोज को आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है या उसको ट्रांसलेट करना है, आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बगल में यहाँ पर टेक्स्ट का फीचर दिया गया। टेक्स्ट में क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, जैसा जिस लैंग्वेज में था उसी लैंग्वेज में आपको दिखने वाला। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप कॉपी और पेस्ट का या लिसन कर सकते हैं। लिसन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जैसे कि मैं वापस आपको दिखाऊं, जैसे मैं दोबारा गया, यहाँ टेक्स्ट पे आया, आपको यहाँ पर लिसन पे आया। तो यहाँ पर जिस लैंग्वेज में भी होगा तो वो यहाँ पर लिसन हो जाएगा आपको। तो सेकंड फीचर या बोल सकते हैं सेकंड आप इसमें ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज ये कॉपी कर सकते हैं यार, कि हमें यार पूरा इतना कौन लिखेगा यार। ये सबसे बहुत जरूरी होता है कि हमें किसी डेटा को हमें लेना है और किसी भी पेज से या बोल सकते हैं कहीं लिखा हुआ है और हमें उसको कॉपी करना है, तो यार बहुत दिक्कत होती थी यार, एक एक करके कैसे लिखेंगे। तो आप उसको इजिली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली फोटो को क्लिक कर लीजिए और यहां से आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आप यहां से कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ सर्च का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो अब क्या करेगा, ये मिलती जुलती अगर आपको कोई ऐसी नई चीज मिलती है तो उसकी मिलती जुलती ऑटोमेटिक वो सर्च कर लेगा गूगल पे, यार ये क्या चीज है, आपने किस चीज की यहां पर फोटो खींची हुई है। ये हो गया होमवर्क, मतलब इसमें से आपको क्या काम की चीज ऐसी लग रही है जिसको आप बाद में देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, बाद में वो आपको सेव करके बता देगा कि भैया आपने इसको सेव करके रखा था तो आपका किस काम का है। ऐसे शॉपिंग, अगर ये कोई शॉपिंग का सामान होगा तो आपको बता देगा कि यार ये सामान आपको इस वेबसाइट पे मिलने वाला है। कोई प्लेस होगी तो प्लेस से रिलेटेड चीज बता देगा यहाँ पर, और कोई खाने की चीज होगी तो आपको ऐसा वो खुद ही डिटेक्ट करके बताने वाला है। तो यार ये फीचर सबसे बेस्ट लगा मुझे। ये तो हो गया अगर आपके पास कोई फोटो खींची हुई, अगर आपको कोई डायरेक्ट टेक्स्ट ही निकालना हो, कोई आपको डायरेक्ट फोटो खींचना हो और उसी का निकालना हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ नीचे की तरफ स्वैप करेंगे तो कैमरा यहाँ पर ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद आपको यहां से उसको पहले तो कर लेना है टेक्स्ट पे, ठीक है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर उस फोटो पे ले लेना है।
तो आपने यहाँ पर उसको बस फोटो पे क्लिक कर देना है, तो सब ऑटोमेटिक वहां पर हाईलाइट होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है और वापस आप यहाँ से ट्रांसलेट, कॉपी, लेसन सब यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। बाद में आप कहीं भी इसको ट्रांसफर करना चाहें तो जो भी आपने वहां करा था सब यहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हैं। मेन चीज आपकी बस यहाँ पर यह है कि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपने डायरेक्ट यहाँ से गए इसको कॉपी टेक्स्ट करा, कॉपी टेक्स्ट करने के बाद हमने अभी जहाँ जिसको भेजना है व्हाट्सएप पे गए हमने वहां पर जाके उसको पेस्ट कर दिया, जिसको हमने लिया था जो हमारे काम का था हमने वहां गए वहां जाके उसको पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे ए टू जेड पूरा का पूरा मैटर वहां पर पेस्ट हो गया। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना भी चुका हूँ बट दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा, मुझे इसको कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ से उसको फोटो पे क्लिक करने क्लिक करा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करेगा और उसको हिंदी में कर लिया। आप देख सकते हैं वो उसने वहीं से ही हिंदी में कर लिया, ताकि मैंने उसको मैंने खींची इंग्लिश में थी बट ऑटोमेटिक वो हिंदी में हो गया। और आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला पहले फीचर पता था या नहीं था। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी बता सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जैसे ही नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। तो थैंक यू।